तो यार गाइस चाय आ गई है, चाय पीते हैं अब थोड़ी सी। सबसे पहले चाय, उसके अलावा कुछ नहीं। पता नहीं क्या हुआ यार, अरे झगड़ा हो गया भाई पुलिस वालों से। पता नहीं क्या हुआ अचानक से, क्या हुआ? कुछ भी ना हुआ, चालान कर रहे हैं दो गाड़ी एम की। अच्छा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा ये जिस तरीके से बदतमीजी कर रहे हैं। अच्छा ये गाड़ी वाले, हाँ जी हाँ जी। एक लेडीज पे हाथ उठाया। अच्छा, पुलिस वाले लेडीज पे हाथ उठाते ना ना ना। देख सकते हो ये ट्रिपलिंग कर रहा है भाई, अपाचे पे है। अभी पीछे आ रहा था, दिखाऊं पास से दिखाता, आ रहा था इतनी स्पीड से, मैंने सोचा यार कौन है पास मार रहा है ये। वो देखो एक लड़की भी पीछे बैठी है, शायद नई नई शादी हुई है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो क्या हाल चाल है दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली की बस देख लो कितनी लंबी चौड़ी बस है। तो भाई अभी हम हैं, हमने भाई रूम का चेकआउट करवा दिया है और उसके बाद अब हम जाएंगे कहाँ, हम जा रहे हैं सीपी। सीपी थोड़ा सा काम है, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, लेट्स गो। अरे भाई ये कोई तो रुक ही नहीं रहे। तो गाइस आज का दिन, आज हम जाएंगे घर प्रॉपर। और हे गाइस अभी आ गए हैं सीपी में, सामने देख सकते हो अपना तिरंगा कैसे अभी लहरा नहीं रहा है, हवा चलेगी तो लहराएगा बहुत अच्छा। और सामने है रेडिसन ब्लू और बड़े बड़े शोरूम, बैंक है बैंक है। देखो चालान काट रहे हैं ये, देखो चालान काट रहे हैं, देखो यहाँ ये काट रहे हैं चालान, यहाँ ये काट रहे हैं। रेड लाइट तोड़ी नहीं हमने और चालान काटा नहीं। देखो दुकानें ही दुकानें हैं यहाँ पे। ये पाली का तो दूर है, अभी पाली का तो दूर है। तो भाई ये मिल गई हमें पर्ची, आओ फिर चले। तो गाइज यार अभी जा रहे हैं हम सरोजनी, थोड़ा सा काम है उसके बाद निकल जाएंगे आगे के लिए। तो अभी यार सरोजनी नगर के लिए निकल गए हैं। क्या पर्ची क्या है इसका, नाम ही ना समझ में आया, 3 दिन हो गए आज। हाँ क्या। तो यार चलो यार अभी चलते हैं हम अपने होटल से सामान उठा के और फिर निकलते हैं घर के लिए सीधा। तो भाई ये देखो यार कितनी ब्यूटीफुल रोड है यार, कितनी शानदार, पूरे दिल्ली में सबसे बढ़िया रोड लगी यार मुझे ये। देखो यार क्या मस्त रोड है, क्या मस्त व्यू है, मज़ा आ रहा है ना यहाँ पे बाइक राइड करके, बहुत मज़ा आ रहा है यार। और अभी हमें गोल चक्कर से उधर को लेना है, किधर को, उधर को, किधर को, उधर को, गोल चक्कर, गोल चक्कर, उधर को, गोल चक्कर, गोल चक्कर, उधर को। अच्छा ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसके बाद वाला जो है वो है। तो गाइज यार दिल्ली से बाहर निकल आए हैं भाई और ये देख सकते हो क्या बढ़िया रोड है। और समय हो गया है ए, ए, ए। तो भाई टाइम हो गया है 5 o'clock होने वाले हैं, बस 10 मिनट रह गए हैं। हम उस लाइन पे नहीं चला सकते, बीच वाली पे बाइक कार तो नहीं, कार और ट्रक चल सकते हैं लेकिन बाइक बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी यहाँ तक कि पैदल भी नहीं चल सकते भाई। तो पता नहीं क्या है उस लाइन में ऐसा कि पैदल भी नहीं चल सकते, बाकी सारी कार्स वगैरह इधर चलती हैं, बाइक वाइक जितनी भी है। हमारे पास सामान हो गया है थोड़ा ज़्यादा, इस चक्कर से हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। चलो फिर आगे चलते हैं यार, बहुत दिन रुक लिए यार दिल्ली में। क्या हो गया, पता नहीं क्या हुआ यार, अरे झगड़ा हो गया भाई पुलिस वालों से।
क्या कह दिया पुलिस वालों ने? हुआ क्या होगा? अरे 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 अरे, अरे भैया ये तो लड़ पड़े। क्या हुआ? कुछ भी ना हुआ, चलान कर रहे हैं दो गाड़ी एम की। अच्छा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा अरे हाँ, तुम बैठे ही ना, क्या कह रहे हो? जाएंगे जिस तरीके से बदतमीजी कर रहे हैं। अच्छा, ये गाड़ी वाले? हाँ जी हाँ जी। हुआ क्या था अचानक से? ये हुआ कुछ नहीं था, रुकाया होगा चालान के लिए। कह रहे कि लेडीज पे हाथ उठाया। अच्छा, पुलिस वाले लेडीज पे हाथ उठाते? ना ना ना, जब तक लेडीज कांस्टेबल नहीं होगी वो छुएंगे भी नहीं। इनकी औकात नहीं है भैया। हाँ जी हाँ जी, मामला वो है, दूसरा चक्कर है इनका। बिल्कुल, इनसे उनकी बदतमीजी करी है, कोई मैटर। अच्छा अच्छा, ठीक है ओके। तो भाई वो चालान अलान का सीन था कुछ ऐसा कि मतलब पुलिस ने रोका होगा चालान अलान के लिए, तो वो उल्टा वीडियो बनाने लगे कि तुम हमारा चालान क्यों कर रहे हो, और उस पे लड़की पे हाथ उठाया, ऐसा कोई सीन था। तो अब देखते हैं क्या होता है। ये भाई तो कह रहे थे कि वो जेल जाएगा और ऐसा है वैसा है, तो पता नहीं क्या सीन है। लेकिन भाई पुलिस से यार, पुलिस किसी गलती पे ही रुकाती है, ऐसे तो रुकाएगी नहीं जहाँ तक बात है। सही है, अभी हम चलते हैं अपनी मंजिल पे। तो भाई आ गए हैं मामा यादव शिवा ढाबा पर, और यहाँ पे चाय पीते हैं एक एक। काफ़ी बाइक चला दी जब से निकले हैं हम भाई, सीधे यहाँ आके रुके हैं। तो बाइक के लिए पार्किंग ये है भाई, लो यहाँ को लगा देते हैं। शिवा ढाबा, इनका एक ढाबा था भाई वहाँ पे, पीछे रह गया, तो हाईवे बनने की वजह से वो ख़त्म हो गया है। तो अब इनका दूसरा वाला नया शिवा ढाबा वहाँ बन रहा है हाईवे पे। कितने छेद हो गए? बड़ा हरामी हो बेटा। ओहो, अरे इसमें ट्रॉली भी तो है, उसे यूज कर लो। तो यार गाइस, चाय आ गई है, चाय पीते हैं अब थोड़ी सी। सबसे पहले चाय, उसके अलावा कुछ नहीं, चाय है तो सब कुछ है। यहाँ की चाय बहुत बढ़िया होती है, कभी भी दिल्ली आओ चाय पी के जाओ, कुछ खाओ मत खाओ। अभी देख रहे हैं कुछ और मिल जाए खाना वाना। तो अभी जो है भाई पेट्रोल करवा लेते हैं। एक साइड रखो ना इसको, नोजल को ऐसे करके है, एक साइड रखो, इस साइड रखो या उस साइड रखो। हाँ देख रहा हूँ कहाँ तक आ गया। क्या क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? दबा तो दबा। अरे मैं देख रहा हूँ ऊपर तक आ गया ना, हिला के तो देखना पड़ता। तो भाई देख सकते हो ये ट्रिपलिंग कर रहा है भाई, अपाचे पे है, अभी पीछे आ रहा था, दिखाऊं पास से दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये है भाई, ट्रिपलिंग कर रहे हैं और पास मारता हुआ आ रहा था इतनी स्पीड से, मैंने सोचा यार कौन है पास मार रहा है ये। तो देखो एक लड़की भी पीछे बैठी है, शायद नई नई शादी हुई है,
तो पास मार रहा था भाई, पता नहीं क्या था क्या नहीं था, तो मैं सोच रहा पता नहीं कुछ कह रहा है या कुछ नहीं, लगातार पास मार रहा है, ये देखो फिर मारा इसने, ये देखो वहाँ देखो उस कार पे पता लगेगा पास मार रहा है। तो बस भाई कुछ ऐसे नमूने होते हैं, और इतनी स्पीड थी ना इसकी भाई, हम फिर भी कम स्पीड में चल रहे हैं, उसकी स्पीड ज़्यादा थी, और ट्रिपलिंग वैसे कर रहा, पीछे दो के हेलमेट नहीं है, खुद ने तो शायद लगा रखा है हेलमेट, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पास तभी मारो जब ज़रूरत हो, ऐसे फालतू में पास ना मारो। तो मुरादाबाद भाई 20-15 किलोमीटर रह गया है, तो मुरादाबाद तो जाना नहीं है हमने, बाहर निकलना है। तो यार गाइस मुरादाबाद हमने पार कर लिया है, और अब हम रुकेंगे एक चाय के ब्रेक के लिए, क्योंकि काफ़ी बाइक चला दी है हमने, तो बस आगे चलते हैं और चाय के ब्रेक के लिए रुकते हैं भाई लोगों। चाय की दुकान पे आ गए भाई। तो यार ये खड़ा है अपना ग्रूट, बहुत चला है यार, बहुत ठंड है इसलिए हीट नहीं फेंक रहा इंजन। अभी आके रुके हैं, मुरादाबाद पार कर लिया है, यहाँ रुके हैं हम चाय पीने के लिए। अभी चाय पियेंगे बढ़िया से, फिर उसके बाद फिर चलेंगे, थोड़ी टांगे वांगे भी सीधी हो जाएंगी तब तक। तो अभी हमने काफ़ी चला दी बाइक एक बार में वहाँ से यहाँ तक, चलो फिर आगे मिले। चाय की चुस्की, अरे वो करो चाय की चुस्की भूल जाती है, चाय पी ली अब निकलेंगे यहाँ से, फिर चलेंगे अब सीधे घर निकलेंगे। तो भाई चाय पी ली है और निकल दिए हैं यार अब यहाँ से हम, चलो भाई हमारी एक ये निकल के गिर गई पता नहीं कहाँ। जैसा सोचा था वैसा कोहरा हो रहा तो है नहीं यहाँ भी, हम सोच रहे थे कि यहाँ से आगे कोहरा मिल जाएगा हमें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कोहरा तो है नहीं वैसे, आगे का कुछ कह नहीं सकते। बाकी चलते हैं अभी घर, अब कहीं रुकना उकना है नहीं, 50 किलोमीटर रह गया है बस, तो 1 से 1.5 घंटे में कवर हो ही जाएगा, 10 बजे तक हम घर पहुंच जाएंगे बस, बाकी सब बढ़िया है। चलो फिर आगे चलते हैं भाई लोगों। तो यार दड़ियाल आ गए हैं, दड़ियाल पहुंच गए हैं, देख सकते हो झंडे वाली लाइटें लगी हुई हैं भाई, और बस 18 किलोमीटर रह जाता है यहाँ से बाजपुर। भाई रात में नाइट राइड पे जाते हुए हम, तो भाई आ चुके हैं हम दोराहा, तो पहुँच गए भाई अपने बाजपुर में, क्या बात है, अच्छा लग रहा है यार बाजपुर पहुँच के, और मौसम साफ है, मुझे लगता है कि गर्मी यहाँ भी हो रही होगी, ठंडा तो ज़्यादा लग नहीं रहा, देखते हैं फिर क्या होता है आगे, बस पहुँच गए हैं। तो भाई ये सीरीज़ पूरी होती है यही, ये दिल्ली की सीरीज़ है भाई, यही पूरी होती है। तो भाई तो होप यू गाइस एंजॉयिंग द वीडियो, तो क्या करना है पता है ना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और कमेंट भी करना भाई कैसी लगी है। तो मिलते हैं भाई अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय। आ गए घर पे, हुर्रे